इस वीडियो में इस बात को खोजा गया है कि हमारे जीवन में जो घटनाएं अचानक घटती हैं उनके पीछे क्या कारण है और क्या वो अचानक दिखने वाली घटना अचानक ही है या कि उसके पहले उसकी भूमिका बन चुकी होती है। बहुत ही रोचक विषय है। और एक बार फिर हमारे पास है दया माता का फाइंडिंग द जॉय विद इन यू पुस्तक हमारे पास है। आप जानते हैं कि दया माता महान सन्यासी परमहंस योगानंद जी की उन्नत शिष्या थी और हमेशा निर्विकल्प समाधि में रहती थी। उनकी बातें क्या हैं, क्या इसका रहस्य है और कैसे हमारे जीवन की अच्छी या बुरी घटनाएं कहां से आती हैं, आइए इस पर चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। महान सन्यासिनी दया माता ने अपनी पुस्तक फाइंडिंग द जॉय विद इन यू में कहा है कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें हम अचानक मान लेते हैं। जैसे अचानक हमको कोई एक अच्छी नौकरी मिल गई या हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा हो गया हो या हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया हो या अचानक कोई हमारे जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया या कोई अच्छी घटना घट गई या कोई बुरी घटना घट गई, तो भी हम ये समझते हैं कि ये अचानक हो गया। अचानक होने वाली घटनाएं दरअसल नहीं है, वे घटनाएं घटने के लिए इंतजार करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हर चीज़ का समय होता है, दिन रात ऋतुओं का बदलना यानी गर्मी सर्दी बरसात का होना, तो उसी तरह हमारे संचित कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किया है वो सामने आते हैं, इंतजार करते रहते हैं। और वो कहाँ रहते हैं, तो हमारे स्पाइन और ब्रेन में। ये उन्होंने अपने गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को लेकर कहा है। और परमहंस योगानंद जी ने भी कहा है कि इन हमारे मेरुदंड के चक्रों में विभिन्न तरह के मैल और पूर्व जन्मों के बुरे कर्म जो भी हैं छुपे हुए रहते हैं। अनेक जन्मों के हमारी मेरुदंड और मस्तिष्क में की कोशिकाओं में छुपे रहते हैं। जैसे ही पूर्व जन्म के कर्म का खुलने सामने आने का समय होता है, ये घटनाएं घटने लगती हैं। तो अद्भुत है। और उन्होंने कहा है कि इनको खत्म करने के लिए कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया उनको कैसे काटा जाए, तो ध्यान और साधना के माध्यम से। तो इसके कोई घटना घटती है तो हम दोष देते हैं ना कि उनके कारण हुआ। दया माता ने कहा हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कोई दोषी नहीं है हम इस घटना के लिए, वो हम ही दोषी हैं। हमारे ही कारण ये घटनाएं हुई हैं, हमारे ही कर्मों के कारण ये घटनाएं हुई हैं। चाहे सुख की घटना हो, उल्लास की घटना हो, खुशी की घटना हो या दुख चिंता और निराशा की घटना हो या और कोई घटना हो, छोटी छोटी घटनाएं भी किस तरह सिस्टम से अरेंज की गई हैं इस सृष्टि में, ये हम लोग बल्कि भूल जाते हैं या नहीं जानते हैं और इससे हम मुक्ति पा सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं, इसे दूर कर सकते हैं। नमस्कार।